20 सितंबर 2022 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड के पीछे मनियर रोड पर बने शासकीय कमरे में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। शिवपुरी पुलिस ने एक सप्ताह में ही अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों के खून से सने कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त सामग्री आरोपी पुरुष के घर कमलागंज से बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 30 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में पोरी बस स्टैंड के पास से मनियर रोड पड़ता है, वहाँ पे एक शासकीय बिल्डिंग अबैंडन टाइप पड़ी हुई है, तो उसमें ये मृतक राकेश जाटव अपने परिवार के साथ में रहता था। 30 तारीख को 9:30 बजे के आसपास उसकी पत्नी ने बताया था कि जब वो घर पहुँची है तो उसका गला किसी ने काट दिया, तो उसके पति का वो मरा पड़ा है। और उसमें शुरू में बताया था कि दो लोग हैं, दो लोग एकदम धोखा दे के निकले हैं। पुलिस के द्वारा इस बात को देखा गया, मौके को देखा गया, लगातार बातचीत की गई, पोस्टमार्टम हुआ, हमने 300 लोगों का केस रजिस्टर किया और उसमें लगातार इनकी एक्टिविटीज़ पे वॉच करते रहे। एक हमको एक वीडियो फुटेज भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया कि दो लड़के उसके घटना के आसपास देखे गए थे, उनको भी देखा गया, आसपास से लोगों से पता किया, तो उसमें पूरी घटनाक्रम यह आया कि फरियादिया लगातार अलग अलग बातें कर रही है, झूठ बोल रही है और उसकी बातें जो है तस्दीक नहीं हो रही, तो उसके बहुत सारे एंगल्स पे अलग, कभी दो, कभी तीन, कभी एक, ऐसा भी उसके द्वारा बताया गया। और फाइनली इसमें उसका पाया गया कि उसके साथ एक उसका मित्र था जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उनके चलते जो व्यक्ति दोनों के फुटेज दिए थे वो भी उसी के मित्र ने बनाया था। वो मित्र के जब ये लोगों का कुछ इस तरह का फुटेज वगैरह बनाने के लिए उनको लगा कि ये लोग आए हुए हैं, और उसके बाद में घटनाक्रम हुआ जिसमें अवैध संबंधों के चलते उनको लगा कि पति जो है बाद में ऑब्जेक्शन करता है, उसको पता लग गया है, तो ये गला काट दिया गया और इस पे संदेह डालने के लिए दोनों का फुटेज दिया गया। टोटल आरोपी कितने? इसमें दो आरोपी पकड़ाए हैं, आरोपी की मृतक की पत्नी है और उसका मित्र है, और दोनों को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, गला किसने काटा, उसके मित्र ने या पत्नी ने? मित्र ने काटा है, उसका बताना है, तो उनके कपड़ों पे कुछ ब्लड के निशान भी दिख रहे हैं, उसको फसल के लिए भी भेज रहे हैं परीक्षण वगैरह के लिए, और पूरी कहानी में फिर फाइनली यही बात उनके द्वारा एक्सेप्ट भी की। पक्का मिला है इनके पास जो मुसलमान के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।